आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले पीएम मोदी और दोनों राज्यों को कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री द्वारा दी जाएंगी। फैसिलिटीज का उद्घाटन किया जाएगा, खास तौर पर जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनका उद्घाटन किया जाएगा। भोपाल एम्स के जो नए भवन है वो भी यहाँ पर बनकर तैयार है और इनका भी वर्चुअली उद्घाटन किया जाएगा। कल गुजरात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4800 करोड़ रुपए की बड़ी सौगातें दी, दिवाली का बड़ा तोहफा दिया, और आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पहुंचेंगे और यहां पर कई बड़ी सौगातें, कई करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। बता दें कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी जो है वो होगी। एम्स का नया भवन जो है वो बनकर तैयार हो चुका है, यहाँ पर तमाम चीजें पूरी हो चुकी हैं, जिसको लेकर कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तौर से इसका इनॉग्रेशन, इसका उद्घाटन किया जाएगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी लगातार अगर हम बात करें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार कुछ इस तरीके के तोहफे दे रहे हैं, लगातार डेवलपमेंटल काम किए जा रहे हैं, हाईवेज की बात हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। अगर बात करेंगे पीएम मोदी की बड़ी सौगातों की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मध्य प्रदेश को 3 नए मेडिकल कॉलेजेस की सौगात आज देने जा रहे हैं। सिवनी की बात करें, नीमच और साथ ही साथ मंदसौर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया जाएगा। देरी ना मांग, यहाँ पर लोगों की पूरी हुई है, 3 मेडिकल कॉलेजेस की बड़ी सौगात यहाँ पर मिलेगी और तीनों मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की 100-100 सीटें हैं, यानी कि युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 300 और सीटें जो है वो यहाँ पर होंगी मंदसौर मेडिकल कॉलेज में। सीएम की उपस्थिति में ये कार्यक्रम जो है वो देखने को मिलेगा। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें एक किसान सम्मान निधि भी किसानों के खाते में आज डाल दी जाएगी। खुशखबरी कहीं ना कहीं किसानों के लिए, युवाओं के लिए, हर एक आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं पीएम मोदी काम करते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 200 करोड़ की हॉस्पिटल का शुभारंभ किया जाएगा। तैयार किया जाएगा। वहीं पर पीएम मोदी कई बड़ी सौगातें देते नजर आ रहे हैं। योग और प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर का भी आज शिलान्यास किया जाएगा, यानी आयुष और अगर हम बात करेंगे आयुर्वेदिक विभाग की, वो भी लगातार सक्रिय रूप से काम करते नजर आ रहे हैं।